चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम समरी देखेंगे। यदि आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या फिर आप एग्जाम के लिए रिवीजन करना चाह रहे हैं तो यह आपके लिए हेल्पफुल होगा। सबसे पहले है कि इस चैप्टर में यह बताया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन पी एक्स वन वाई वन और क्यू एक्स टू वाई टू, यानी कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, एक हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, इसका y कोऑर्डिनेट y1 है, और यहां का x कोऑर्डिनेट है x2 और ये y कोऑर्डिनेट है y2, तो इनके बीच में डिस्टेंस होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका x2 माइनस x1 यानी पहले कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस दूसरे कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट है। ध्यान दीजिएगा, चाहे आप x2 माइनस x1 होल स्क्वायर करें, चाहे आप y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। माइनस भी स्क्वायर होकर प्लस बन जाएगा, प्लस तो स्क्वायर होकर प्लस होता ही है। तो पहली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। दूसरे में आते हैं हम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। अब ओरिजिन से डिस्टेंस यानी अगर हमारे पास इस तरीके से एक्स वाई एक्सिस हम मानते हैं और हम कोई पॉइंट ये है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालते हैं, तो ओरिजिन में क्या है, ओरिजिन में ये तो जीरो जीरो हो गया, ओरिजिन में जीरो जीरो। अब जीरो जीरो में एक्स टू वाई टू मान लीजिए जीरो जीरो या फिर एक्स वन वाई वन मान लीजिए जीरो जीरो, जो जीरो हो जाएगा तो आपके पास केवल एक्स और वाई बचेगा, कोई एक ही टर्म बचेगा। अगर एक्स टू वाई टू जीरो तो एक्स वन वाई वन बचेगा और वाइस वर्सा, या दूसरी चीज अगर माने तो, इसीलिए आपका एक टर्म जीरो है, इसलिए यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज थर्ड में आते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू इंटरनली डिवाइड्स इन द रेशियो एम वन बाय एम टू, और इस तरीके से, यानी कि मैं आपको इसको यहां दर्शा के बताता हूं कि हमारे पास एक लाइन है मान लीजिए, और यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट जो x1 y1 और x2 y2 को m1 इंटरनली, m1 और m2 इंटरनली ये होता है क्योंकि इसके बाद हम एक्सटर्नल भी देखेंगे, तो इंटरनली m1 बाय m2 के रेशियो, ये m1 m2 इसलिए है क्योंकि नंबर्स हैं, m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये जो पॉइंट है x y ये क्या है, x ये हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, इस तरीके से y हो गया m1 वन बाय टू प्लस एम टू वाई वन बाय एम वन प्लस एट। तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं यदि आपको जिस भाग में ये डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट पता चल जाए तो ये आप कर सकते हैं। अब द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज दिस एंड दिस। अब बात ये है इसमें कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइन है, आपके पास x1 y1 है, यहां पर x2 y2 है। अब यहां पर जो डिवीजन हो रहा है वो m1 और m2 में मान लीजिए, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहना है कि m1 m2 के 1 और 1 है, तो आप यहां पर 1 1 1 रख दीजिए, आप इन सब जगह 1 1 1 रख दीजिए, आप देखेंगे कि ये इक्वेशन ये बन जाएगी x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2। बिल्कुल ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं। अगर आप जीरो जीरो लेंगे तो यहां आ जाएगा, यहां पर वन वन लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब बात आती है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और वो जो ट्रायंगल है इसके पॉइंट हमें अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिए हुए हैं तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। उसको कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास ऐसे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास इसको एक्स वन वाई वन मानिए, इसको एक्स टू वाई टू, इसको एक्स थ्री वाई थ्री, अगर ये पॉइंट आ गया हमारे पास तो हम इसका एरिया इस तरीके से निकालेंगे, हाफ एक्स वन, पहले एक्स वन करिए लिखिए, एक्स टू लिखिए, एक्स थ्री लिखिए, इनको मल्टीप्लाई करिए वाई टू वाई वाई थ्री के डिफरेंस से, वाई थ्री वाई वन के डिफरेंस से और वाई वन वाई टू के डिफरेंस से। ये जो अरेंजमेंट है ये आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अरेंजमेंट अगर गलत है तो माइनस और प्लस का फेरबदल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, जहां पर एक्स वन होगा देखिए वहां पर ये वाई ये टू थ्री है, एक्स टू है तो थ्री वन है और एक्स थ्री है तो वाई वन और टू है। तो ये बात हो गई आपके एक समरी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर की है।